चीन की हिमाकत तो देखिए, अब वो अपने नक्शे में भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना हिस्सा बता रहा है। वाह, दुम थारी झांट की और रोटी मांगे चाट की। दरअसल कुछ दिनों पहले ही चीन के ग्लोबल टाइम्स अखबार ने चीन का नया नक्शा पब्लिश किया, जिसमें चीन ने हमारे अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को चीन का हिस्सा बता दिया। और तो और, चीन का ये भी कहना है कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिण तिब्बत का ही एक भाग है। यही नहीं, चीन ने ताइवान को भी अपना भाग बता दिया है। एक तरफ तो ब्रिक्स समिट और आने वाले G20 समिट में चीन भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बातें करता है, और दूसरी तरफ विवादित नक्शा पब्लिश करके नया सीमा विवाद खड़ा करता है। चीन के इस दोगलेपन पर भारत सरकार ने साफ कह दिया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अखंड भाग था, है और हमेशा रहेगा। और इस पर हर एक भारतीय चीन को यही जवाब देना चाहेगा कि सलाद मांगोगे तो खीरा देंगे, लेकिन अरुणाचल प्रदेश मांगा तो मिटा देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने जब पोखरण में परमाणु परीक्षण किया तो इस पर विपक्ष में बैठे कांग्रेसी समाजवादी दल के नेता और प्रधानमंत्री रह चुके चंद्रशेखर जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से सवाल पूछा कि भारत पर ऐसा कौन सा खतरा आ गया था कि भारत को फिर से परमाणु परीक्षण करना पड़ गया। इस पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विपक्ष की क्लास लगा दी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया कि देश के सामने कौन सा खतरा आ गया है, लेकिन साल 1970 से 1974 के बीच में मैं भी इस सदन में मौजूद था जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। उस समय हमने विपक्ष में होने के बावजूद भी इस फैसले का स्वागत किया था। क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब देश को कोई खतरा होगा? आज जब हमने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया तो विपक्ष इसका स्वागत करने की बजाय इस पर सवाल उठा रहा है। गाइस, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जवाब ने विपक्ष का दोगलापन सामने लाकर रख दिया था। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर। गाइस, क्या आपको पता है कि जल्दी आप बिना वाईफाई और इंटरनेट के मोबाइल या टीवी पर अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स और मैच देख पाएंगे? कैसे, चलिए जानते हैं। दरअसल भारत सरकार IIT कानपुर के साथ मिलकर डायरेक्ट टू मोबाइल तकनीक पर काम कर रही है, जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल पर बिना किसी इंटरनेट लाइव टीवी चैनल देख पाएंगे। ऐसा इसीलिए ताकि भारत सरकार देश के 80 करोड़ मोबाइल यूजर्स तक शिक्षा संबंधी और इमरजेंसी अलर्ट की जानकारी समय पर पहुंचा सके। लेकिन इससे कई टेलीकॉम कंपनियों को नुकसान होने वाला है, इसलिए आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये कंपनियां इस तकनीक का विरोध करें। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि ये तकनीक देश में लागू होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आलिया भट्ट की तरह मैं भी आपसे सवाल पूछूं कि पश्चिम बंगाल भारत की कौन सी दिशा में, तो आप लोग रणवीर सिंह की तरह जवाब दोगे, वेस्ट में, बट ऑब्वियस। लेकिन ऐसा नहीं है, पश्चिम बंगाल भारत की पूर्व दिशा में। तो फिर बंगाल के आगे पश्चिम क्यों लगाया जाता है, पूर्व क्यों नहीं लगाया जाता? चलिए जानते हैं इसके पीछे की वजह। दरअसल साल 1905 में अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए पहली बार पूरे बंगाल को दिशाओं के हिसाब से पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल में बांट दिया। आजादी के बाद साल 1947 में हुए बंटवारे के समय अंग्रेजों ने भारत से तोड़कर पूर्व बंगाल को पूर्व पाकिस्तान घोषित कर दिया, लेकिन इंदिरा गांधी ने पूर्व पाकिस्तान को पाकिस्तान से आजाद करवाया और वो बन गया आज का बांग्लादेश। अब पूर्व बंगाल पूर्व पाकिस्तान से बांग्लादेश कैसे बना, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। पर पश्चिम बंगाल का क्या हुआ? देखिए, पश्चिम बंगाल का नाम पूर्व दिशा में होने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल ही रह गया, क्योंकि वो अंग्रेजों के जमाने के बंगाल का पश्चिमी हिस्सा था। अब ये पूर्व पश्चिम सुन के चक्कर आने लगे हैं, तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में जरूर आ जाएगा।